Abu Dhabi. Assalamu alaikum. This is Maryam and you are watching my channel Food and Travel with Maryam. आज अबू धाबी में बारिश हो रही है और हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं क्योंकि यहाँ पे रेन होती ही नहीं है। तकरीबन एक से डेढ़ साल बाद आज बारिश हो रही है। लास्ट टाइम हेल्स हुए थे 2020 के स्टार्ट में, तो इतने टाइम बाद अब बारिश हुई है। अरब का मौसम तो वैसे ही गर्म है, तो बारिश हो जाना यहाँ पर बहुत ही बड़ी नेमत है। ये पूरा मेरा विंडो व्यू है। अब मैं बिल्डिंग के नीचे आ चुकी हूँ। यहाँ का व्यू भी आपके सामने है। बहुत ही हैवी रेन है और साथ ही हल्की फुल्की लाइटनिंग। मुझे तो सच में बारिश बहुत ही पसंद है। इनफैक्ट मैं तो बहुत क्रेजी हूँ बारिश के लिए। तो बात है, काफ़ी गर्मी हो रही थी। असल में आजकल गर्मी बहुत पड़ रही है क्योंकि जून जुलाई का मंथ तो वैसे ही गर्मी का होता है और आजकल गर्मी ज़्यादा है। बारिश के होने से थोड़ा सा मौसम ठंडा कह सकते हैं, थोड़ा सा सुकून हो गया है। लेट्स सी कि ये सुकून बाद में भी रहता है कि नहीं। मेरा तो सच में दिल कर रहा है कि इस वक्त बारिश में निकल जाऊं, लेकिन अकेले जाना थोड़ा ऑड लगता है और इस वक्त मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। मेरे मुँह में पानी आ सकता है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा कंट्रोल करके बारिश को यहीं से इंजॉय करना पड़ेगा। आपको पता है यहाँ पर पास में ही सी यानी कि समंदर है, जस्ट 5 मिनट की वॉक पर। इस वक्त हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो मेरे मोबाइल का कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है और हिल रहा है। तो मैं कह रही थी कि यहाँ पास में ही समंदर है। अक्सर शाम में मैं वहाँ पर चली जाती हूँ चाय लेकर, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। आज ही मेरा इरादा था जब मैंने काले काले बादल आते हुए देखे कि चलो इस वक्त कॉर्निश से चलते हैं, लेकिन मुझे लेट हो गया और बारिश पहले ही स्टार्ट हो गई, तो मैं वहाँ जाने से रह गई। ये वाला एरिया खालिदिया है, मेन सिटी है, जस्ट थोड़े से ही डिस्टेंस पर कॉर्निश है। और कॉर्निश यहाँ का सबसे बड़ा समंदर है, अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते भी रहते हैं। दिल में मासूम ख्वाहिशें उभरती हैं कि या अल्लाह, काश हमारे कराची की भी सड़कें ऐसी ही साफ़ सुथरी हो जाएं। ये देखिए, इतनी तेज़ बारिश के बावजूद भी बिल्कुल यहाँ पे पानी जमा नहीं हुआ है और रोड से बिल्कुल क्लीन है। बारिश वाकई में ब्लेसिंग है, मगर कहीं कहीं सिस्टम की ख़राबी की वजह से रहमत से जहमत बन जाती है। इस वक्त मुझे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। बारिश तो रुकी नहीं रही। वैसे तो मेरा बारिश में जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन आज थोड़ा टाइम शॉर्ट है और मुझे कुकिंग करनी है। वैसे ही मैं लेट हो चुकी हूँ, तो इस वक्त मैं वापस ऊपर जा रही हूँ। मैं सेकंड फ्लोर पर रहती हूँ, लिफ्ट का बटन दबा दिया है और अब मैं वापस जा रही हूँ। लास्ट वीक से मैं बारिश की वीडियोस देख रही हूँ कंटिन्यूसली फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो मेरा तो बहुत ही दिल कर रहा था। मैं वैसे कराची से हूँ और कराची में भी इस वक्त काफ़ी बारिशें हो रही हैं, तो मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस भी कर रही थी और वहाँ के सारे वेदर को। इस वक्त मैंने अल्लाह ताला से 2 दिन पहले ही दुआ की थी कि अल्लाह यहाँ भी बारिश हो जाए, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हो रही है। यहाँ से हमारा गैलरी व्यू है। वैसे तो लगता है बारिश अब कुछ हल्की हो गई है। मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं उनको कहती थी कि मुझे भी बारिश में जाना है, कराची में बारिश हो रही, तो कहते हैं कि जाओ शावर के नीचे इमेजिनेशन करो। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। अभी भी देखिए आप, काले काले बादल मौजूद हैं और लेकिन बारिश तो अब रुक चुकी है तकरीबन, बस हल्की हल्की बूंदाबांदी ही हो रही है। तो अब मैं, ये वाला पूरा ग्राउंड है पीछे। हाँ, तो अब मैं आ चुकी हूँ कुकिंग के लिए, जिसकी वजह से मुझे बारिश छोड़ के आना पड़ा। और आज मैं क्या बना रही हूँ, गेस व्हाट? चलिए मैं ही बता देती हूँ, मैं बना रही हूँ आम का मुरब्बा। क्योंकि मैंगोज़ का सीज़न है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि नई नई मैंगोज़ की रेसिपी ट्राई करूँ। तो आम का मुरब्बा या आम की खट्टी मीठी चटनी, कुछ भी कह सकते हैं आप इसे, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर जल्द मिल जाएगी। देखते रहिए फूड एंड ट्रैवल विद मरियम। और यकीनन आज की अबू धाबी की बारिश भी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बारिशें तो आप देखते ही रहते हैं, लेकिन अरब की और खुसूसन अबू धाबी की बारिश तो वैसे ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पर बारिश होती नहीं है। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सी रेसिपी या ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ मरियम, अल्लाह हाफिज़।